गणेश भगवान, जी हाँ, जिनका रूप रंग सभी देवी देवताओं में सबसे अलग माना जाता है। भगवान गणेश की उत्पत्ति को लेकर पुराणों में कई कथाएं मिलती है। जी हाँ, बता दें आपको कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ। श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर 12 बजे के समय हुआ। जी हाँ, आज हम आपको गणेश जी के जन्म के ही कुछ रहस्य बताने जा रहे हैं। दरअसल पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्य नामक उपवास या फिर व्रत किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश जो थे वो पुत्र रत्न के तौर पर प्राप्त हुए। इस व्रत के लिए शिव जी ने इंद्र से पारिजात वृक्ष देने को, लेकिन इंद्र ने इसके लिए इनकार कर दिया था। तब उन्होंने पार्वती के व्रत के लिए पारिजात के एक वन का ही निर्माण कर दिया था। वहीं शिव पुराण के अनुसार आपको बताएं तो माता पार्वती को गणेश जी का निर्माण करने का भी सखी जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की ही आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन इसीलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की थी। ये दो ऐसी कथाएं हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न है। जहां शिव पुराण में ये माना जाता है कि माता पार्वती ने श्री गणेश का निर्माण किया, तो वहीं कुछ पुराण ये कहते हैं कि माता पार्वती ने व्रत उपासना करके उसके बाद गणेश जी की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती रिपोर्ट।